इस पीढ़ी पर ज्यादा निर्भर करता है और इसलिए भी इस दशक के लिए मैं आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। सरकार में बहुत लंबे समय से मैं बंधा हुआ हूं, बहुत लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहा, फिर से आप लोगों ने ये काम दे दिया। और इसके कारण कई कार्यक्रमों में जाना होता है, अनेक विध प्रकार की प्रवृत्तियों से जुड़ने का अवसर मिलता है। हर प्रसंग का एक अपना अनुभव होता है, कुछ जानने को मिलता है, कुछ सीखने को मिलता है, हर एक का अपना अपना महत्व होता है। लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि सारे इतने कार्यक्रमों के बीच वो कौन सा कार्यक्रम है जो आपको सबसे ज्यादा दिल को छूने वाला है, अपने दिल के करीब है, तो मैं कहूंगा क्या, कौन सा? बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि अगर मैं जब इसकी तैयारी होती है, जब आप लोग कुछ लिख करके भेजते हैं और मैं देख रहा हूं कि देश के हजारों स्कूल, शायद देश का कोई तहसील ऐसा नहीं होता होगा जो इससे जुड़ता ना हो, तो मुझे भी देश के अलग अलग कोने में युवा मन क्या सोचता है, युवा मन क्या चाहता है, युवा मन क्या कर सकता है, ये मैं भली भांति फील कर सकता हूं। मैं अंदाज कर, अच्छा इतना बढ़िया बता रहे हैं बच्चे, तो मन को एक आनंद आता है। उसी प्रकार से जब मैं नौजवानों के साथ हैकेथॉन के कार्यक्रम में जाता हूं, भारत का उज्जवल भविष्य कितनी नई इमेजिनेशन के साथ आगे बढ़ सकता है, ये उसमें अनुभव आता है। तो ऐसे कई कार्यक्रम जहां पर नौजवानों से मिलने का मौका मिलता है, युवा पीढ़ी से बात करने का अवसर मिलता है, तो मेरे लिए भी एक शिक्षा का अवसर होता है। और इसलिए मैं अब ये सीख है कि मैं परीक्षा पे चर्चा न करता तो प्रधानमंत्री की कुर्सी को कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी, अगर मैं न करता तो कोई अखबार में एडिटोरियल भी नहीं छपने वाला था कि देश का प्रधानमंत्री क्या करता है, ये करता तो है नहीं। ये मैंने खुद ने खोज करके अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि जैसे आपके माता पिता जब आप नौवीं कक्षा से निकलने की तैयारी में हो, उनके दिमाग में दसवीं ग्यारहवीं बारहवीं भर जाती है, कुछ भी करोगा पता नहीं अब दसवीं में आ गया, समझ नहीं आता है बारहवीं है, कौन समझाएगा तुझे, ऐसा कहते कि नहीं कहते, दिन में सौ बार डायलॉग सुनते हो ना। तो मुझे लगा कि आपके माता पिता का भी बोझ मुझे थोड़ा हल्का करना चाहिए, तो जो काम वो करते हैं मैं ही सामूहिक रूप से कर लूं, क्योंकि मैं भी तो आपके परिवार का सदस्य हूं। और दूसरा, हमारे यहां गुजराती में एक कहावत है, पार की मां कान बिंधे, यानी किसी को कान में जब नहीं वो छेद करते हैं, मुझे भी है, मैं बचपन में पहनता था लेकिन हम वो
नीम की वो पत्ती रहती थी उसका एक छोटा सा लगा देते थे, वो लकड़ी होती थी अंदर मार डाल देती थी। लेकिन घर में जो कहा जाता है वो मम्मी पापा रोज कहते हैं, वो लकड़ी होती थी अंदर बनाते हैं मार डाल देती थी। लेकिन घर में जो कहा जाता है वो मम्मी पापा रोज कहते हैं यही सुनाते हैं। लेकिन कोई बाहर का कहता है तो कभी कभी वो रजिस्टर ठीक से हो जाता है। हो सकता है कि जो बात आपके माँ बाप करते हैं, आपके गार्डियन, आपके पिता, आपके टीचर करते हैं, वही काम मैं करता हूँ, अलग तरीके से करता हूँ और अपनेपन से करता हूँ। आपका दोस्त बन करके, आपका साथी बन करके, एक मददगार के रूप में मैं करता हूँ, इसलिए मुझे भी संतोष मिलता है और आपको भी मैं बोझ नहीं लगता हूँ, नहीं लगता हूँ ना है? यार ये प्रधानमंत्री क्या कहेंगे, फिर घर जाएंगे तो यही करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना? तो आज हम बातचीत शुरू करते हैं और आजकल की फैशन है भाई हैशटैग विदाउट फिल्टर। तो हमारे बीच भी हैशटैग विदाउट फिल्टर, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हैं वैसे ही करेंगे, कोई बोझ नहीं, हल्की फुल्की बातें, गलती भी हो सकती है, मेरी भी हो सकती है, और मेरी होगी तो टीवी वालों को भी मजा आएगा। मैं ज्यादा तो उनको खुश नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर उनको इससे भी खुशी मिलती है तो मुझे और खुशी होती है। खैर दोस्तों, हल्के फुल्के इस माहौल में अपन बातचीत शुरू करते हैं। पहला सवाल किसका है? माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके उत्साहपूर्ण प्रेरक उद्बोधन से सभागार में उत्सव का माहौल बन गया है। इस सभागार में उपस्थित हजारों छात्र छात्राओं के अलावा विश्व भर के 25 देशों से 30 करोड़ से अधिक छात्र, शिक्षक एवं अभिभावक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। मान्यवर, आपके आशीर्वाद एवं अनुमति से अब हम सभी विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए संयुक्त लाभदायक प्रश्नों की श्रृंखला का आरंभ करना चाहते हैं। आइए अब प्रधानमंत्री जी के अनुमति से बढ़ते हैं परीक्षा पे चर्चा 2020 की विशिष्ट आकर्षण की ओर। मान्यवर,